कैसे हो साथियों? मस्त एकदम। जैसे कि हम लोगों ने न्यूक्लियस शुरू कर दिया था और काफ़ी चीज़ें आपने देखी थी कि न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होता है। अब जो जेन्युइन सवाल इसके बाद बनता है वो ये है कि सर, हमें आप एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस बता दो। ठीक है, तो ज़रा सा हम ये देखते हैं नोट डाल के कि मास नंबर जो कि क्या है, ए है, एंड एटॉमिक मास। ए आप एटॉमिक नंबर मत समझे करो बेटा, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, मास नंबर होता है ए। और एटॉमिक मास जो कि आप बचपन से पढ़ रहे हो, कैपिटल एम, इनमें क्या फ़र्क है? तो देखिए, मैंने आपको बोला था, सिंपल सी बात है, मास नंबर होता क्या है, मास नंबर ए होता क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स, न्यूक्लॉन्स का नंबर होता है ये। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें पाई जाती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बच्चों, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्दर हम डिवाइड नहीं करेंगे अपने क्लासिकल मॉडल के हिसाब से, क्वांटम मॉडल में तो हो सकता है, मतलब इस सब अटोमिक पार्टिकल का भी और छोटा पार्टिकल नहीं बनाएंगे जैसे क्वार्क होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा फिक्स ही पाए जाएंगे और होल नंबर में पाए जाएंगे। मतलब ये अनडिविजिबल होते हैं, अनडिविजिबल होते हैं। ठीक है, मास नंबर ये है। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास कैपिटल एम, यार एटॉमिक मास वही होता है जो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के साथ जुड़ा रहता है। जैसे आप हाइड्रोजन के वहाँ देखोगे, आपका लिखा रहता है 1.008, क्लोरीन के साथ देखोगे तो आपका रहता है 35.5, ऐसे सो ऑन। कार्बन के साथ देखो रहोगे तो 12 होता है। अब यहाँ से एक फंडामेंटल दिक्कत आती है कि ये एटॉमिक मास फ्रैक्शन और डेसिमल में भी है, फ्रैक्शन में भी है और किस में है, डेसिमल में भी है। कैसे सर? यहाँ देखो ना, पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, तो ये भला है क्या? अब देखो हुआ क्या, दिक्कत क्या आई, एटॉमिक मास और मास नंबर को समझाने के लिए मैं दिक्कत दूर कैसे करूँगा, मैं एक टर्म का इंट्रोडक्शन कराऊंगा जो कि है आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स ने बहुत ज़्यादा दिक्कत दे दी थी, मेंडलीव को भी दे दी थी जब वो अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे। आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है मेंडलीव ने ही बनाया है, बाकी बहुत से लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन करा है। तो आइसोटोप्स होते क्या हैं? देखो, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जैसे 1H लिखा, बट ऊपर मास नंबर अलग होता है। तो जैसे 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है, ये है, ये हमारे आइसोटोप हैं। इनका देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, मतलब इसमें फ़र्क किसका है? एटॉमिक नंबर सेम है मतलब प्रोटॉन सेम है। बच्चों, हम न्यूक्लियस की बात करेंगे यहाँ, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, तो या तो प्रोटॉन ही अलग होंगे या न्यूट्रॉन ही अलग होंगे, या तो दोनों में से कोई एक अलग होगा या दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे आइसोटोप में क्या है, देखो प्रोटॉन्स क्या हैं, सेम हैं, तो न्यूट्रॉन्स अलग हैं। देखो यहाँ 1-1 0 न्यूट्रॉन है, यहाँ 2-1 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ 3-1 2 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है आइसोटोप में। अब दिक्कत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो हम पे तीन कोई कॉन्टिनेंट, मान लो आप तीन कॉन्टिनेंट है, एशिया कोई बी कोई सी, एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया कुछ भी मान लो, ऐसे ना, मान लो उन्होंने अपने अपने इंडिविजुअल पीरियोडिक फॉर्म ऑफ टेबल बनानी शुरू करे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू करा। एक जो साइंटिस्ट था या केमिस्ट था ए कॉन्टिनेंट में, उसे ये मिला 1H1, दूसरे वाले को 1H2 मिला, तीसरे वाले को 1H3 मिला, क्या तीनों के मास सेम आएंगे? नहीं, क्योंकि तीनों को आइसोटोप्स अलग अलग मिले स्टडी करने के लिए, उन्होंने डिस्कवर अलग अलग आइसोटोप्स करे। एक ने डिस्कवर करा 1H1, तो भाई उसका मास कितना आएगा? भैया उसका मास आएगा एक प्रोटॉन की वजह से सिर्फ। अगर एक प्रोटॉन की वजह से एक यूनिट मास होता है तो हम उसे एम लिख देते हैं। मान लो जो दूसरा बंदा है जो बी कॉन्टिनेंट में है, उसे ये वाला आइसोटोप मिला। अब इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो उसका मास एम प्लस एम कितना आएगा? 2m आएगा। अब मान लो तीसरा बंदा जो था वो सी कॉन्टिनेंट से था, उसे एक प्रोटॉन मिला तो उसका मास एम यूनिट होगा, और दो न्यूट्रॉन मिले तो 2m, तो कुल मिला के कितना होगा? 3m होगा। यहाँ 2m है, यहाँ 3m और यहाँ m है। अब ये तीनों किसी कन्वेंशन में मिले केमिस्ट्री की और तीनों अपने पीरियोडिक टेबल लाए, तो बताओ किसका एक्सेप्ट होगा? अगर हमें पूरे वर्ल्ड में वही पीरियोडिक टेबल चलाने हैं तो किसका एक्सेप्ट होगा? पता नहीं यार, क्योंकि तीनों के मासिस के अलग अलग हैं। बस यहीं से हमारी पैराडॉक्स शुरुआत होती है कि हम करें क्या,
कि हर जगह पीरियोडिक टेबल एक जैसा ही हो, हम इन चीज़ों के कन्फ्यूज़न से दूर हो जाएं, हमें ये ना पढ़ना पड़े, ये ना पढ़ना पड़े, ये ना पढ़ना पड़े, कहीं कन्फ्यूज़न ये ना हो, तुम एम मास लेके चल रहे, दूसरे का 2m आ रहा है, तीसरे का 3m आ रहा। ये बड़ा फंडामेंटल दिक्कत है, इसमें रिस्क है बहुत सारा। तो अब देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, अब मैं बताता हूँ एटॉमिक मास क्या है। जनरली एटॉमिक मास है क्या, देखो मास नंबर तो होल नंबर है, एटॉमिक मास आपको पता चल के कैसे है, पॉइंट या फ्रैक्शन में। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक मास को अगर मैं m बोलूँ तो m इज द एवरेज मास, क्या है एवरेज मास, m क्या है एवरेज मास है, ठीक है, ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके मास का एवरेज है, एवरेज मतलब मीन होता है। तो एटॉमिक मास है क्या, अब कन्फ्यूज़न ही दूर होगी, भाई तू क्या लाया 1H1, तू क्या लाया 1H2, तू क्या लाया 1H3, लिखा क्या जाएगा, ना 1H1 ना 1H2 ना 1H3, लिखा जाएगा तीनों का एवरेज, जो सबके लिए क्या होगा सेम होगा, वर्ल्ड में वो चला सकते हैं, वो सबके लिए सेम होगा। तो इसका मतलब मास जो है हमारा एटॉमिक मास वो क्या है, एवरेज मास है, कितने का, सारे पॉसिबल आइसोटोप का जो किसी गिवन एलिमेंट के हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स वैसे टिन के होते, टिन में, टिन जो होते हैं ना, टिन की चादर, टिन का सिंबल होता है Sn, 10 आइसोटोप्स होते हैं टिन के, कितने होते हैं 10 आइसोटोप। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, उसके होते हैं 1H1, 1H2, 1H3, आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए याद रख लो ये प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है, ये ट्रिटियम है, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम। मास नंबर क्या होगा, मास नंबर कुछ नहीं होगा, मास नंबर क्या होगा, मास ऑफ 1H1 प्लस मास ऑफ 1H2 प्लस मास ऑफ 1H3 होल डिवाइडेड बाय 3, ये होगा एवरेज, है ना, देखो सम अपॉन नंबर, सम कितना है, मास ऑफ 1H1 1H2 1H3 अपॉन नंबर। तो एटॉमिक मास ये है, इट कैन बी इन फ्रैक्शन या डेसिमल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और डेसिमल में भी हो सकता है। चलिए तो एटॉमिक मास आपको समझ में आया कि एटॉमिक मास क्या बोला है, एवरेज है, किसका, मास का, जो किसी गिवन पॉसिबल आइसोटोप के हो सकते हैं, जो किसी एलिमेंट का पाया जाएगा, ठीक है। तो ये है, बट मास नंबर इट इज़ जस्ट अ नंबर, मास नंबर एक नंबर है, ये मास है, ये केजी में है, वो नंबर में है, ठीक है। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब अगर आपने ये समझ लिया है, अगर आपने ये ठीक से समझ लिया है, तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं बच्चे किसकी तरफ, हम देखते हैं कि अगर अब आइसोटोप्स आ ही गए हैं तो आइसोटोप्स को डिफाइन कर लें, इसी के जैसे फिर आइसोबार को डिफाइन कर लें, इसी के जैसे फिर आइसोटोन्स को डिफाइन कर लें। तो हम ज़रा डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और सबसे पहले समझते हैं हम किसके बारे में, आइसोटोप्स के बारे में। देखो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, आइसोटोप एक ही स्पीशी के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्पीशीज़ हैं, दोनों बोल सकते हो। तो आइसोटोप्स क्या है, देखो मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, बहुत मेन बात है, सेम एलिमेंट होगा, जैसा हाइड्रोजन ही है, कार्बन ही है, ठीक है। तो स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग, बचपन में पढ़ाया आपने, सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। एटॉमिक नंबर को ए से नहीं जेड से डिनोट करेंगे, पढ़ लो, मास नंबर को ए से करेंगे, ए से एटॉमिक नहीं होता, जेड से होते हैं। तो स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर डिफरेंट होगा जो कि ए है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये स्पीशीज हैं सेम एलिमेंट के जिनका सेम एटॉमिक नंबर है जेड बट डिफरेंट मास नंबर है ए। अच्छा सर इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे, देखो जेड जो है ये सेम है, जेड अगर सेम होता है इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। बट क्योंकि इन्होंने बोला ए डिफरेंट है, ए क्या है, डिफरेंट है। अच्छा ए में दो चीज़ें आती हैं क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, जेड है, जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका जेड बन गया, तो ए मास नंबर को मैं जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख सकता हूँ। भाई ए क्या है, डिफरेंट है, ए डिफरेंट है बट जेड उसमें सेम है।
अगर ये चीज़ सेम है तो ए को अलग कौन बना रहा है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे जेड फिक्स हो गया, ए की वैल्यू मान लो 2 आ गई, मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एक होगा। ए की वैल्यू 3 आ गई, ये तो एक ही रहेगा ना जेड, तो ये 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू 4 आ गई तो ये तो एक ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है बच्चे, अलग है। ठीक है, मास नंबर दो चीज़ों से मिलके बना है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है, मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं। जरा वही देखते हैं, जरा वही देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1, जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटॉन नहीं है बच्चे, प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, प्रोटियम है। ठीक है, प्रोटॉन आप बोल सकते हो सिंगल आयनाइज प्रोटियम होता है, एक आयनाइज हो गया उससे इलेक्ट्रॉन, तो वो प्रोटियम से, किससे, प्रोटियम से, तो वो प्रोटॉन बन जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, आयनाइज कर लो। 1H2 इसे बोलते हैं ड्यूट्रियम, फिर है 1H3 इसे बोलते हैं ट्रीटियम, ट्रीटियम। अगर हम इनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन देखें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी कितने हैं, 1 है, मतलब Z क्या है, सेम है। ठीक है, बट अगर हम A देखें मास नंबर, तो मास नंबर अलग अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। और अगर मैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स देखूँ तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आपको पता है A से Z या A से NP हटाना पड़ेगा, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करना पड़ेगा। तो 1-1 या 1-1 कितना 0, 2-1 या 2-1 कितना 1, 3-1 या 3-1 कितना 2। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अलग हैं, एक पे 0 है, एक पे 1 है, और एक पे कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स यहाँ क्या है, अलग अलग हैं, एक पे 0 है, एक पे 1 है, और एक पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसका फ़र्क है यहाँ। अब मैं एक नोट डाल के आपको एक बताना चाहता हूँ बात, कि एक चीज़ होती है आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, एक ऐसा प्रभाव या इफेक्ट है जिसकी वजह से कुछ एलिमेंट की सेम स्पीशीज़, मतलब एक एलिमेंट है उनकी जो स्पीशीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में फ़र्क आता है। लार्ज डिफरेंस इन फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, इसे हम बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट सेम एलिमेंट की ही अलग अलग स्पीशीज़ में होगा, एक ही एलिमेंट होगा, जैसे हाइड्रोजन ही एलिमेंट है, उसके अलग अलग स्पीशीज़ हैं आइसोटोप्स में। ठीक है, उनमें इफेक्ट होगा। और एक सबसे मेन बात क्या है, आइसोटोपिक इफेक्ट मैक्सिमम होता है हाइड्रोजन में, ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, इससे खतरनाक आइसोटोपिक इफेक्ट कहीं नहीं होता। ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पे हमने सीधा जो जंप मारी वो 2 टाइम्स की मारी, कितनी टाइम्स की मारी, 2 टाइम्स की, सीधा जंप आ रही है, सीधा दुगना हो गया, सीधा डबल हो गया, इसलिए। सर नहीं, औरों में भी होता होगा, तो देखो एग्जांपल देखो और तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। आइसोटोप्स के और एग्जांपल देखो यार, क्या है तुम्हें दिक्कत, देखो एक और एग्जांपल, 6C12 कार्बन 12 आइसोटोप, 6C13, 6C14। ठीक है, ये होता है रेडियो एक्टिव, कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ होता है ये, रेडियो एक्टिविटी भी आगे पढ़ेंगे, हट तो गई है बट पढ़ाना अपना कर्तव्य है, धर्म है, तो करेंगे। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव है। अब देखो आगे क्या होगा, प्रोटॉन तो सेम ही है, हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स यहाँ कितने हैं, 12-6, 6, ये मैजिक न्यूक्लाई होती है, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, 13-6, 7, 14-6, 8। देखो यहाँ पे प्लस वन की जंप आई, यहाँ पे प्लस वन की जंप आई, पर यहाँ 2 टाइम्स की जंप आई, वहाँ प्लस वन की है, यहाँ 2 टाइम्स की है। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स की जंप होती है तो 7 का 14 बनता, 6 का 12 बनता, बट यहाँ 2 टाइम्स की जंप है, वहाँ प्लस वन की जंप है। यार प्लस और मल्टीप्लाई में तो बहुत फ़र्क है ना भैया, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब लगभग दुगना, प्लस वन मतलब एक बढ़ गया। तो यहाँ पे देखो कितने की जंप है, प्लस वन की है, प्लस वन की है, और यहाँ 2 टाइम्स की, सीधा डबल की जंप है। और जहाँ डबल की जंप होगी वहाँ आइसोटोपिक इफेक्ट सबसे खतरनाक होगा। आप कुछ और भी बना दो, इससे ज़्यादा जंप कहीं नहीं होती। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ यहीं पे, एक और एग्जांपल लिखो, साथ साथ चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। 8O16, 8O17, 8O18, सर अपने मन से बना रहे हो, नहीं ये होते हैं। देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16-8, 8, 17-8, 9, 18-10, प्लस एक की जंप है, प्लस एक की जंप है, बट यही अनोखा ऐसा है जिसमें 2 टाइम्स की जंप है। किसकी जंप है, 2 टाइम्स की, यहाँ प्लस वन की थी, यहाँ 2 टाइम्स की जंप है, इसलिए मैक्सिमम आइसोटोपिक इफेक्ट कौन शो करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन ही शो कर सकता है, ये आपको बच्चों याद रखना है। चलो आइसोटोप्स के बाद
अब आइसोटोप्स जब आप पढ़ लोगे, इसके बाद हम बात करेंगे आइसोबार्स की। आइसोटोप्स के बाद बात करेंगे आइसोबार्स की। ओह देखो, चलो किसकी बात करनी है, आइसोबार की। लो बात करेंगे आइसोबार की। देखो आइसोबार सेम एलिमेंट की स्पीशीज़ नहीं होती, स्पीशीज़ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होती है। क्या होती है, अलग अलग एलिमेंट की स्पीशी होगी। हम यहाँ एक्स एलिमेंट को वाई से कंपेयर करेंगे। इससे पहले आइसोटोप में एलिमेंट एक ही था, हाइड्रोजन एलिमेंट एक ही था, कार्बन एलिमेंट एक ही था, ऑक्सीजन। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो आइसोबार आर द स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आइसोबार क्या है, स्पीशीज हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की। आइसोबार क्या है भाई, स्पीशीज हैं डिफरेंट एलिमेंट की, हैविंग सेम मास नंबर, हैविंग सेम मास नंबर। ए मास नंबर सेम होगा, बट अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर कैसे सेम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर तो यूनिक क्वांटिटी होती है ना, यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट। तो अलग अलग एलिमेंट हैं तो भैया एटॉमिक नंबर भी अलग होगा। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जेड डिफरेंट होगा। अच्छा जी, तो यहाँ सर सेम क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की तो बात ही ना करो, प्रोटॉन सेम है या न्यूट्रॉन सेम है। जैसे आइसोटोप में आपको पता चला था प्रोटॉन सेम थे, न्यूट्रॉन्स क्या थे, अलग अलग थे। ऐसे यहाँ क्या सेम होने वाले हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कुछ भी सेम होने वाला नहीं है तो मानोगे क्या, कुछ भी सेम यहाँ होने वाला नहीं है। ना प्रोटॉन सेम होंगे ना न्यूट्रॉन सेम होंगे। देखो जरा कैसे, आओ देखो एग्जाम्पल देखो भैया। पहले तो आप ये देख लो, सेम मास नंबर है, ठीक है, डिफरेंट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर होता है जेड। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अच्छा, इन्होंने बोला सेम मास नंबर है, सेम मास नंबर है, क्या है, सेम मास नंबर है। मतलब ए सेम है, ए दो चीज़ों से मिलके बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इन्होंने बोला डिफरेंट है। ऊपर से हमें पता चला नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, ए सेम है, तो क्या भैया एन क्या होगा, एन सेम होगा डिफरेंट होगा, यही देखना है। ए तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऊपर पता चल गया डिफरेंट है क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो क्या सेम होगा सर वो तो बताओ। तो देखो 6C14, अच्छा कार्बन का आइसोटोप, और 7 नाइट्रोजन 14। सर इसमें तो ऊपर वाली चीज़ें सेम होगी, नीचे वाली अलग है। अच्छा नीचे वाली अलग ही तो होनी चाहिए, ऊपर वाली सेम होनी चाहिए मास नंबर, ठीक है। तो आप ये देखो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, पहले देखो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नीचे वाली चीज़ें यहाँ 6 हैं और यहाँ क्या है 7 हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, 14 - 6 कितना 8, और 14 - 7 कितना 7। और ये सर मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, इतने जल्दी डिसाइड ना करो, एक और देखेंगे भाई तब बात करेंगे, ठीक है। ठीक है एग्जांपल देखो, 3 लिथियम 4 और 2 हीलियम 4। इसमें ऊपर वाली चीज़ सेम है, मतलब मास नंबर सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन देखते हैं पहले भैया, नीचे वाली चीज़ यहाँ 3 यहाँ 2। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन देखेंगे, 4 - 3 1 और 4 - 2 2। ये देखो तो क्या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट ही आ रहे हैं, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे और चीज़ देखेंगे, फिर जल्दी बताओ सेम आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं, एक आ रहे हैं सेम या अलग अलग। चलो और दिखाऊं क्या, ठीक है तो ये मिटाते हैं और चीज़ देखते हैं। हमें तो पता चल रहा है अभी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी सेम नहीं है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी सेम नहीं है। जरा सर एक और एग्जांपल बता दो तुम, फिर मज़ा आ जाएगा मुझे। अब देखो मान लीजिए 11 है सोडियम है, ठीक है, और ऊपर 23 की जगह हमारा 22 आ गया, और 10 है नियन है, 10 नियन कितना होगा, 10 नियन मेरे हिसाब से 22 ही होना चाहिए, वैसे तो 20 होते हैं बट हम 22 मान के चलेंगे, ठीक है। हाँ ये इसका आइसोबार्स है, ये अपने आप में तो आइसोटोप होगा ना किसी का, नियन का क्या होता है 10 नियन 20 होता है ना, उसका आइसोटोप है ये, बट ये आपस में कंपेयर करेंगे ना। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ 11 है वहाँ 10 है। अच्छा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 22 - 11 11 ही आएगा, और ये 22 - 10 12 आएगा। ओहो मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी क्या हैं, अलग अलग हैं। एक और एग्जांपल बता दो सर, तो कैल्शियम का लिख लो,
एग्जाम्पल है कैल्शियम का, कैल्शियम होता है 20 कैल्शियम दुगना 40, और आर्गन लिख लो 11 आर्गन और 40। नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो यहाँ 20, यहाँ 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो 40 माइनस 20 20, 40 माइनस 18 12, 8 9 10 12 नहीं यार 22 होगा, है ना, 8 9 10 2 3 4, ठीक है। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या है, अलग है। तो हमें ये पता चला आइसोबार्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अच्छा सर आइसोटोप में क्या था, आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या थे सेम थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या थे अलग अलग थे, बट आइसोबार में दोनों ही चीज़ सेम नहीं है। तो अभी किसका पलड़ा भारी है भैया, एक जगह प्रोटॉन सेम हो चुके हैं जिसे हम क्या बोलते हैं आइसोटोप्स बोलते हैं। अब एक ऐसी भी तो चीज़ होगी जहाँ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तुम पागल तो नहीं हो आइसोमर्स क्यों कह रहे हो, आइसोमर्स तो केमिस्ट्री की चीज़ होती है जिनका कंडेंस फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग होती है, वो आइसोमर्स होते हैं, वो तो तुमने देखे हैं यार, आइसोप्रोपाइल आइसो फिर ब्यूटाइल ऐसी सारी चीज़ें, वो छोड़ो पता है ना नियो आइसो ये सारी चीज़ें। अब देखो वो केमिस्ट्री की चीज़ थी, आइसोटोप देख लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन वहाँ सेम होते हैं न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं, आइसोबार में दोनों ही चीज़ सेम नहीं है, जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो जाए उसे क्या बोलेंगे आइसोटोन्स कहेंगे, क्या बोलेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स होती हैं स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट की स्पीशीज होती है, स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं सेम होते हैं, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं सेम है। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है ऐसा कोई मेरे को एग्जाम्पल बता दो, तो देखते हैं बेटा कोई एग्जाम्पल बन पाए। आओ देखो हमने ले लिया 2 हीलियम 4, अच्छा जी, और ले लिया 1 हाइड्रोजन 3, अच्छा जी। नंबर ऑफ प्रोटॉन देखिए बच्चे यहाँ कितने हैं, यहाँ 2 हैं और यहाँ क्या है 1 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, ऊपर वाले को नीचे से माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 आया 2, 3 माइनस 1 भी आया 2, अरे वाह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के आगे सेम आगे। चलो एक और एग्जाम्पल देखो जल्दी बताओ, 6 सी बताओ 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 14, अच्छा ये तो 14 6 8 हो गया, 8 ओ 16, अरे वाह देखो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ कितने हैं 6, यहाँ कितने हैं 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, 14 माइनस 6 कितना 8, 16 माइनस 8 कितना 8, अरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आगे। ऐसे तो एग्जांपल बना सकते हैं सर हम, बनाओ फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नई चीज़ देखेंगे, इसको मिटाएंगे आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बताओ यार। चलो एक पोटेशियम वाला देख लो, पोटेशियम 19 होता है ऊपर 39 आता है, इसी के जैसा हम क्या ले सकते हैं पोटेशियम का भाई कैल्शियम ले सकते हैं, 20 कैल्शियम 40। देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे हैं 19 एटॉमिक नंबर, और 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ क्या है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम देखें 39 माइनस 19 20 होगा, 40 माइनस 20 भी 20 होता है। बच्चे मैं एक और चीज़ जोड़ दूँ यहाँ, यहाँ देख 17 क्लोरीन 37, अपने मन से नहीं है ये सारे होते हैं, इसका भी कितना है 17 है क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 37 माइनस 17 कितना होता है 20, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है सेम है, क्या है सेम है। अच्छा तुमने एक चीज़ देखनी है तो देख लो, वैसे तो इतना ही देख लिया गुड। चलो मैं आपको एक नई चीज़ बताऊँगा जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं, और उसी से बाइंडिंग एनर्जी आएगी, जरा मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है, पहले ये देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया ना, आइसोटोप आइसोबार आइसोटोम्स, बढ़िया चीज़ है ना, पढ़ते रहो बस। पेपर भी होंगे, हाँ होंगे, पेपर क्यों नहीं है, पेपर होंगे।